हेलो गाइस, आप देख रहे हो कॉलेज सब कुछ। माय नेम इज़ प्रिंस कुमार शाह। इस वीडियो में मैं आपको वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, जो कि नंबर वन कॉलेज भी माना जाता है, मेडिकल कॉलेज कोलकाता के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि 1835 में स्टैब्लिश हुआ था, तो उस हिसाब से बहुत ही पुराना है। तो उस हिसाब से आपको बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा इस कॉलेज में। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कॉलेज है, और स्ट्रेंथ की अगर आप बात करोगे तो पर ईयर 250 स्टूडेंट का एडमिशन होता है इस कॉलेज में, एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस सीट के लिए। और गाइज, अगर फी की बात करोगे तो ये और बाकी के गवर्नमेंट कॉलेज की तरह, वेस्ट बंगाल के बाकी के गवर्नमेंट कॉलेज की तरह इसका फ़ीस भी है काफ़ी कम है, जो कि पर सेमेस्टर 4,500 है। मीन्स आपको हर 6 महीना में 4,500 देना पड़ेगा। और आप जब शुरू शुरू में एडमिशन कराने आओगे नीट एग्ज़ाम देने के बाद, तो वहाँ पर आपको एडमिशन के लिए 2,000 देना, ऑलमोस्ट 2,000 देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम फीस लिया जाता है गाइज ईयरली, मीन्स फाइनल एग्ज़ाम में, प्रोफेशनल एग्ज़ाम में, जो कि वो भी अराउंड 2,000 है। तो फीस ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऑल 13-14, मैक्सिमम 13-14,000 फीस रहेगा पर ईयर का। और गाइस, इसमें खाने का जो बिल है वो एक्सक्लूडेड है, मीन्स आपको उसका जो खर्चा आएगा वो अलग से देना पड़ेगा। और जो हॉस्टल फीस अगर आप बोलोगे तो पर मंथ 12 रुपीज़ है। यस गाइस, ओनली 12 रुपीज़, काफ़ी चीप है, वेस्ट बंगाल में ऐसा ही है, तो बहुत ही अच्छा है। और आप इलेक्ट्रिसिटी जितना भी यूज़ कर सकते हो, बस बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना है, तो काफ़ी अच्छा है। और फिर अगर लोकेशन के बारे में बात करोगे तो ये, अगर आप जानते हो कि कोलकाता में सेंट्रल मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है ये कॉलेज, जो तो आप बोल सकते हो कि इसका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अच्छा है, और जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है। आप कहीं भी आराम से जा सकते हो, क्योंकि मेट्रो स्टेशन है, तो मेट्रो से कहीं भी आसपास काफ़ी फैला हुआ है, तो आप जा सकते हो। और लोकेशन तो हो गया, और वेदर के बारे में बात करोगे गाइस, क्योंकि ये कोलकाता में है कॉलेज, तो कोलकाता का वेदर आप बोल सकते हो कि गर्मी में कुछ कुछ दिन, मतलब 20-25 दिन आपको बहुत ज़्यादा गर्मी झेलना पड़ सकता है, और ऐसे भी काफ़ी गर्मी रहता है गर्मी में तो। और ठंडा में तो गाइस काफ़ी ठीक ठाक ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा तो ठंडा नहीं रहता है, तो जैसे कि 4-5 ऐसा डिग्री ऐसा तो नहीं जाएगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 9-10-11 ऐसा जाएगा मिनिमम टेम्परेचर इन विंटर। तो गाइस, आपको गर्मी में बस थोड़ा सा पसीना छूट जाएगा। और कैंपस के अगर बात करोगे तो टोटल 30 एकड़ का कैंपस है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। और बॉयज़ हॉस्टल के अगर आप बात करोगे तो टोटल 6 बॉयज़ हॉस्टल है, आप यहाँ पे गाइस नाम देख सकते हो। और पर रूम अगर कितने परसेंट रहते हैं अगर उसके बारे में बात करोगे तो 4% पर रूम रहते हैं। एक डिसएडवांटेज मुझे ये लगा गाइस कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक, फाइनल ईयर तक, आपको चार चार करके रहना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप देख सकते हो उस हिसाब से आपको क्या ठीक लगता है। लेकिन अगर बाकी चीज़ में अगर देखोगे तो कॉलेज बहुत ही अच्छा है। तो बस दो एडवांटेज मुझे डिसएडवांटेज लगा गाइस कि हॉस्टल में आपको पर रूम 4% करके रहना पड़ेगा, और प्लेग्राउंड कुछ ज़्यादा है नहीं, तो अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो तो शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। और फिर अगर आगे देखोगे तो हर एक बंदा के लिए एक बेड, एक टेबल, एक चेयर, एक अलमीरा होगा हर एक स्टूडेंट के लिए। और गाइस, जो ये 5 नंबर का जो आप हॉस्टल देख रहे हो, न्यू बॉयज़ हॉस्टल, फर्स्ट ईयर में आपको इसी में रहना पड़ेगा कंपलसरी, या बाकी, या फिर बाकी के ईयर आप कहीं पे भी किसी भी हॉस्टल में जहाँ खाली मिले आप रह सकते हो। और गर्ल्स हॉस्टल टोटल 2 है गाइस, आप देख सकते हो, सरना, मोयन, विदुमुखी, इसमें भी गाइस 4% रहना पड़ेगा गर्ल्स को भी। और लेक्चर बाकी का जो है, वो जो अलमीरा वो सब वो गर्ल्स हॉस्टल में भी रहेगा गाइस। और लेक्चर थिएटर आप देख सकते हो, टोटल 6 लेक्चर थिएटर है, आप नाम देख सकते हो, जनरल लेक्चर थिएटर, एनाटॉमी लेक्चर थिएटर एंड ऑल। और यहाँ पे जहाँ, जैसे मैंने बोला था गाइस, प्ले ग्राउंड कुछ खास है नहीं, कोई डेडिकेटेड ग्राउंड नहीं है क्रिकेट फुटबॉल के लिए, बस कैरम टेबल रनिंग से सब खेल सकते हो आप। आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि लाइब्रेरी है, बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है, जो कि उसका टाइमिंग है 9 AM to 5 PM। और ऑडिटोरियम भी गाइस काफ़ी बड़ा ऑडिटोरियम है, बहुत ही वेल इक्विप्ड है, 600 जन का कैपेसिटी है, तो काफ़ी बड़ा है। और फूड का अगर बोलोगे गाइस, तो कुछ हॉस्टल के मेस में आपको फिक्स्ड मेन्यू देखने को मिलेगा, जैसे कि आप हर डेज आपका जो मेन्यू है फिक्स्ड है, आपको वही खाना खाना पड़ेगा। लेकिन कुछ हॉस्टल में आप कुछ भी खा सकते हो, आप जिस हिसाब से जो जो है वहाँ पे, जैसे कि अगर आप सिंपल वेज खाओगे तो 30 रुपीज़ आपको लग जाएगा, और 35 रुपीज़ लगेगा अगर आप करी
एक करी और राइस खाओगे, और 60 रुपीज़ लगेगा अगर आप चिकन एंड राइस खाओगे। और फैकल्टी गाइस, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में है तो आपको काफ़ी बंगाली का सामना करना पड़ सकता है अगर आप आउटसाइड ऑफ बंगाल से आओगे, क्योंकि यहाँ पे बंगाली बोलेंगे कुछ प्रोफेसर, कुछ प्रोफेसर कम्प्लीटली बंगाली भी बोल सकते हैं जैसे कि दो तीन, और बाकी कुछ तो बंगाली एंड इंग्लिश मिक्स करके बोलेंगे। लेकिन मोस्टली गाइज मैक्सिमम आप बोल सकते हो 60 से 70% इंग्लिश में ही बोलेंगे, तो शुरुआत में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे जैसे आप अटेंड करोगे क्लास तो आपको बंगाली भी धीरे धीरे आने लगेगी, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मे बी 1 एंड 1.5 ईयर में अगर आप ठीक से कोशिश करोगे। तो गाइज और एक बात मैं बता दूँ, जो ये आप शुरू शुरू में जो यह फ़ोटो जो आपने देखा था, ये एक्चुअली MBBS का ब्लॉक नहीं है, MBBS कॉलेज का ब्लॉक नहीं है, ये एक्चुअली सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक है, तो MBBS स्टूडेंट के लिए ये तो नहीं है फिलहाल, तो इसलिए आप ये कंफ्यूज मत करना, इसलिए मैंने बता दिया। और गाइज ये जो आप देख रहे हो, ये एरियल व्यू जो है आप जो देख रहे हो, ये एकेडमिक ब्लॉक है, इसके अंदर ही लेक्चर थिएटर एंड ऑल है। और गाइज ये देख सकते हो लेक्चर थिएटर का जो आप व्यू देख रहे हो, काफ़ी अच्छा लेक्चर थिएटर है, काफ़ी सीट का कैपेसिटी बहुत ही है, और स्लोपिंग रोज है गाइज तो मज़ा आएगा, और क्योंकि स्लोपिंग रोज है तो आपको हेड से किसी का ढकेगा नहीं बोर्ड देखने में, तो प्रोजेक्टर देखने में तो काफ़ी अच्छा है, क्लासरूम भी काफ़ी अच्छा है गाइज। और ये देख सकते हो आप एकेडमिक ब्लॉक है, यहाँ पे ही लेक्चर थिएटर है इसके अंदर, और ये जो एंट्रेंस है गाइस इस कॉलेज का और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पे सब कॉलेज का जो काम वाम होता है, जो पेपर वर्क होता है, ये सब ये इसमें इसके अंदर होता है, इस ब्लॉक के अंदर होता है। ये गाइस आप जो देख रहे हो ये हॉस्टल है, तो गाइस हॉस्टल बहुत ही शानदार है, मार्बल है, मार्बल्ड है पूरा, और लिफ्ट विफ्ट है, तो लिफ्ट तो इतना बड़ा हॉस्टल है तो लिफ्ट हो गई, और बाकी अंदर का भी व्यू बहुत अच्छा है, तो व्यू अच्छा है मीन्स काफ़ी क्लीन मिलेगा आपको, गंदगी नहीं मिलेगी, तो काफ़ी अच्छा है। और ये हॉस्पिटल देख सकते हो गाइस, ये हॉस्पिटल का फ़ोटो है, और ये भी हॉस्पिटल का फ़ोटो है। तो गाइस और एक बात है गाइस, जो इस कॉलेज में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये कॉलेज सिटी में है तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सेस देखने को मिल जाएगा डैम्स और भाटिया का, लाइव क्लासेस का, तो ये आपका बहुत अच्छा एडवांटेज हो सकता है। शुरू शुरू ही आप थोड़ा सा एज पा सकते हो, जो कि अगर आप पीजी नीट पीजी के प्रिपरेशन का सोचोगे तो शुरू शुरू में ही आप स्टार्ट कर सकते हो MBBS के, क्योंकि अच्छा कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है।